क्या नाम है तुम्हारा? हारजू। पुलिस ने 13 साल की आरजू के मुबैना शौहर अली अजहर को अदालत में पेश कर दिया है। बाबा ये देखें, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। बेटा मैं बहुत थका हूँ, अभी नहीं। तेरी माँ भी अभी तक नहीं आई? एक काम कर, तू चाय बना दे मेरे लिए। मैडम, एसएसपी ने जो केस आपके हवाले किया है, ये उसकी फाइल है। ये तो वही 44 साल अजहर की केस फाइल है ना? जी मैडम। मुतासरा फैमिली ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनके मोहल्ले के अजहर नामी शख्स ने उनकी बेटी को अगवा किया है। और मगवी के माँ बाप, उन्होंने अपने बयानात में क्या कहा है? दोनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई ख़ास दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अजहर पे उनको शक है। अजहर, अजहर की कोई खबर है? अजहर के घर वालों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से अजहर घर नहीं आया। अजहर के घर वालों को ये भी कहना है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लव मैरिज प्रोटेक्शन की इल्तजा कर रहे हैं। निकाह नामा फाइल में मौजूद है। निकाह तो लड़की की मर्जी से हुआ है, तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? लेकिन आरजू के माँ बाप का कहना है कि ये निकाह नामा जाली है। वो क्रिश्चियन फैमिली है और लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल है। फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिज का दावा कर रहे हैं। ठीक है, तुम लड़की के माँ बाप से उसकी बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाओ। जाहिर है दोनों खानदानों में से कोई एक ही सच कह रहा होगा। ये देखो, इस एफिडेविट में कोई NIC की कॉपी या फिर कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं है। जैसे ही बच्ची की उम्र और रिलीजन साबित हो जाता है ना, तो अजहर और उसके घर वालों पर हम इस निकाह नामे को फॉर्ज डॉक्यूमेंट साबित करके अगवा का मुकदमा दायर कर सकते हैं। सारा दिन मजदूरी करता हूँ। अरे मैं इंसान का बच्चा हूँ,
और तेरे लिए अच्छा होगा कि तू भी मुझे इंसान का बच्चा समझ। धूप में गाड़ी चलाना कोई इतना आसान नहीं। आरजू बेटा नाश्ता ला दे, तेरी माँ का बस चले तो हम दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दे। मैं भी अपनी बाजी से कहूंगी मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। सारा दिन इसका महल साफ करते रहो, तुम्हें भी चाहिए तुम भी ज्यादा कमाओ। बाकी शौहरों को देखो रात देर तक कितना काम करते हैं, वैसे भी उनको ज्यादा। मैं दिल का मरीज हूँ, गोलियां खाता हूँ। जिस दिन मेरी सांस निकल गई ना उस दिन शायद तुम्हें सुखा सांस आएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इतनी प्यारी बच्ची को स्कूल से निकाल के घर बिठा दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं। बड़ी आई प्यारी बच्ची। बस बहुत हो गया, हद होती है ताना देने की। मैं तेरा शोर हूं कोई गधा नहीं, मुझसे जितना हो सका मैं कर रहा हूं। बड़ी हाँ बेटा, पता लगा कुछ मोहसिन का? पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बंदा चाहिए मुझे ये। सर लगा हूँ, ढूंढ के देखो। शाबाश। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों की डेडलाइन है। अजहर के घर हमारी टीम दोबारा जाएगी तफ्तीश के लिए, वहां से उसका एड्रेस निकलवाओ और उसे घर वालों को बताओ कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो अजहर छुप क्यों रहा है। वो सामने आया है तो पुलिस उसे खुद प्रोटेक्शन देगी। मैडम इसमें इतना प्यार की क्या जरूरत है, दो थप्पड़ की मार ही है, सब कुछ सच सच उगल देंगे। इकराम फिलहाल किसी शक्ति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये अजहर की पूरी फैमिली के बयान दर्ज कर दिए, मतलब कोई रहा तो नहीं ना? जी मैडम, लेकिन अजहर का सबसे छोटा भाई उस दिन घर पे मौजूद नहीं था। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, मोहसिन। अरे भाई अब इस मोहसिन को कहाँ ढूंढेंगे और कैसे?
मैडम, मुखबर से खबर मिली है कि अजहर और अजहर की फैमिली के दरमियान बहरहाल रब्ता तो है। मोहसिन उसी पे शक है मुझे। अजहर के इस्तेमाल में जो नंबर है वो उसने तोते की तरह याद कर रखा है। हमने उसके तमाम नंबर्स पे कॉल ट्रैकिंग लगा रखी है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोल सर। आपका कबूतर बैठा है सामने जादू पे। क्या? अच्छा, एक काम कर, उसके ऊपर नजर रख और मुझे फौरन लोकेशन भेज। मैडम गुड न्यूज, मौसम का पता लग गया है। हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ भी हो इकराम, वो गांडू हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी मैडम। भाई तेज चलाना जरा। तुम्हारे अलावा अब मेरा दिल कहीं और नहीं लगता, इसीलिए मैं रोज आता हूँ तुमसे मिलने। तुम्हें नहीं लगता अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए? निकलना चाहिए मतलब? मतलब अब हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए हमेशा के लिए। तो आप मुझसे शादी कर लें? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, मैं आपके साथ होती हूँ तभी आपका दिमाग चलता है। लेकिन उसमें एक मसला है ना। कैसा मसला जू? देखो, अब मैं कोई नीच आदमी तो हूँ नहीं जो तुम्हें ऐसे ही भगा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हें कानूनी तरीके से अपनाना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अज्जू, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी पर घर वालों ने ताला लगाया हुआ है। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आपको दिल से कबूल करती हूँ। तो बस तुम कल अपना बैग तैयार रखना, सिर्फ जरूरी चीजें लेना। निकाह की तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अबे उस्ताद, चीनी की आज वापसी अपने घर लेके जाएगा तू? 35 रुपए की दूध पत्ती थी, आज 50 की करके भी तेरा टेस्ट नहीं आ रहा है। अबे तो इतना नहीं करूंगा तो खर्चा तेरा बाप उठाएगा क्या? हाँ हाँ, तू तो सोना डाल रहा है ना। चल चल चल, तेरी खातिर करते हैं। चल चल चल। अपनी उम्र देख, अपनी फैमिली के बारे में सोच। देख, मैं तुझे अभी थाने में डालकर तेरी सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तेरे मैडम मैडम मुझे माफ कर दे। मैडम मुझे माफ कर दे, मेरे भाई का मसला था, इसमें क्या क्या हो गया मालूम, मुझे कोई इल्म नहीं है। मुझे छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तेरा भाई है ना अजहर, हाँ, उसको कॉल मिला, उससे बात कर, उसको बोल कि तू बिल्कुल ठीक है, घर में भी सब ठीक है। हाँ मैडम, आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैडम मुझे छोड़ दो। अच्छा बस बस, रोना बंद कर। ये ले, चल भाई से बात कर। शाबाश, कर कर। हेलो भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, मैंने शाम को नंबर से कॉल कर रहा है, नंबर मिल गया।
नहीं भाई, सब खैरियत है, बस पूछ रहा था। और भाभी भाभी कैसी है? नहीं नहीं भाई, आपकी याद आ रही थी मुझे, मैंने सोचा फोन मिला के आपसे पूछ लूं। अच्छा भाई, बस फिर मैं कॉल करता हूँ। सही, आप जिंदगी रही तो मैं दोबारा कॉल करूँगा। खुदाई हाफिज। कुछ ज्यादा देर होशियारी नहीं कर रहा था तू, हैं? जितना बोला उतना कर। मैडम अजहर ट्रेस हो गया, 10 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये बात सिर्फ तुम जानते हो, क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम और मैं ही तो वक्त साथ गुजारा करते थे। अब अजहर भी हमारे साथ है। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम्हें मैं छोड़ूँ। तुम भी यहाँ से जाओ जैसे मैं जा रही हूँ। कौन भाई? मैं मोहसिन। क्या हुआ? लेके जा इसको, लेके जा। अजहर को कहाँ ले? मोहसिन कहाँ लेके जा रहे? मैडम चाय। हम क्या समझे थे और मामला क्या निकला? इकराम वो बच्ची मासूम तो है, लेकिन उसके लफ्जों में लर्जिश और इरादों में डगमगाहट बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी साइकोलॉजी का कोई भी कानून ये बात साबित नहीं कर सकता कि अजहर से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। हाँ ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस लड़की का फैसला नादानी है, लेकिन इस बात का मुझे भी नहीं है। बट मैडम आपको नहीं लगता कि बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ ज्यादती की? और जो बच्ची के माँ बाप ने उसके साथ किया तो मुझसे क्या नाम है? इकराम ये बात मत भूलो कि वो बच्ची सिर्फ 14 साल की है, और इस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप की अटेंशन की बहुत जरूरत होती है। जो आरजू को अपने माँ बाप से नहीं मिला, अजहर से मिला, इस वजह से उसने अपने माँ बाप को ना चुन के अजहर को चुना। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें बच्ची किसके हवाले करनी चाहिए? इकराम ये हमारा डोमेन नहीं है, हमने अपना फर्ज पूरी तरह से अंजाम दिया है, बस अब हम इसे हाई कोर्ट में पेश करेंगे। बाकी जो अदालत फैसला करेगी हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है। ठीक है?